वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं करेंसी इन सर्कुलेशन और इन्फ्लेशन के रिलेशनशिप पे, और दो एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, एक कम्युनिटी लीडर हैं और एनालिस्ट भी हैं। और हम ये अब तक ये इत्तेफाक हमने किया है कि करेंसी, जो नंबर ऑफ करेंसी होती है किसी भी मईशत में, उसके ज़ाती की वजह से इन्फ्लेशन होता है। 80-90% रिलेशनशिप इससे है, और बाकी फैक्टर्स अगर थोड़े बहुत होंगे भी तो बहुत मामूली होते हैं। और ये जो गवर्नमेंट झूठ बोलती रहती है कि जी ये तेल की कीमत की वजह से इंटरनेशनल इन्फ्लेशन, ये सब बकवास है। तेल की कीमत बढ़ती भी है घटती भी है, चीनी की कीमत घटती भी है बढ़ती भी है, हर चीज़ की कीमत ऊपर नीचे होती रहती है। उससे हर चीज़ की कीमत नहीं बढ़ जाती, उस पर्टिकुलर चीज़ की कीमत बढ़ती है, या फिर जब बढ़ती है तो उसकी प्रोडक्शन अगले साल ज़्यादा होती है, वो घट जाती है। तो ये मार्केट का मैकेनिज्म है। अगर जापान की तरह, यूरोप की तरह, अमेरिका की तरह, इवन इंडिया को देख लें, आप बांग्लादेश को देख लें, करेंसी को हम कंट्रोल में रखें, ज़्यादा ना छापें, तो इस तरह से हर चीज़ की कीमत नहीं बढ़ेगी। और अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि अवान साहब जैसे लोगों को मैंने इनके बहुत बड़े लेबर कैंप में बोलते हुए सुना, जब लोग इनसे सवाल कर रहे थे कि सर ये तनख्वाह आप डबल कर दें, उन्होंने कहा भाई कैसे कर दूँ डबल, तो लोगों ने कहा कि आप महंगाई नहीं देखते, तो उन्होंने कहा भाई महंगाई से मैं क्या करूँ, महंगाई हो रही है। वाकई इनके जो लेबर है, जो भी वे तनख्वाह दे रहे हैं उसमें वो जिंदा नहीं रह रहे, खुद एज ए लीडर इनको बहुत कंसर्न है, ये कहते हैं जी अब मैं रोड पर निकलूँगा। हम कंटिन्यू करते हैं साहब, ये जो बहस है अब ये अवामी सतह पे आती जा रही है, पहले तो ड्राइंग रूम में बात होती रही, टॉक शोज़ में बात होती रही, आज से एक साल पहले, दो साल पहले भी मुझे आपने बात करते हुए देखा होगा दूसरे चैनल्स पे भी, लेकिन अब मामला इतने वाकई ख़राब हो गए जैसे कि ऐसे लोग खड़े हो रहे हैं। तारिक साहब, जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हम तीनों ही खड़े हो जाएंगे, इंशाल्लाह मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ। आपने इतना बड़ा इशू को आपने सड़के, मैं समझता हूँ अभी तक किसी भी चैनल पर इस मौजू पे कोई डिस्कशन नहीं हुई और ना होगी, इसलिए वो सारा सिस्टम उनके अपने कंट्रोल में। आपने बड़ी वजह है अवान साहब, जैसे आप खुद मुख्तार हैं, जी जी, ये भी माशाल्लाह खुद मुख्तार हम लोग बोल सकते हैं, सही सही, बाकी सब लोग ना किसी तरह की वजह से गवर्नमेंट के खिलाफ। मैं मिसाल के तौर पे इस चीज़ से मैं आपसे इख्तलाफ करूँगा, जैसे वो इसलिए कि जिस तरह चौधरी शाह साहब ने कोर्ट के मामले में अपने आप को एक सेक्रीफाइस किया, पूरी कौम उनके साथ खड़ी हुई, बिल्कुल खड़ी हुई, क्या स्टेट बैंक गवर्नर ऐसा स्टेप नहीं उठा सकते? बिल्कुल उठा सकते हैं, उन्होंने पहले स्टेप ले लिया है, हमारे हमें चाहिए कि उनको उनको सपोर्ट करके उनसे कहें। असल में सर ये बड़ी बात ये था कि उस गवर्नर साहब की जो हमारी जो प्रॉब्लम से अब लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, अब जब हमने सही तो गवर्नर साहब आके बयान क्यों नहीं देते? नहीं, इतना बयान दिया, यही बड़ी बात, ये बड़ी बात है। पाकिस्तान की तारीफ में उसको चाहिए कि हर, में हर, हर महीने बोले आके कि अभी 1500 की कर्जा है गवर्नमेंट का, जून में 1200 था, अब ये बढ़ रहा है या घट रहा है? नहीं, जो अदादोशुमार स्टेट बैंक उधर दे रहा है वो आवाम को बिला के दे, हाँ, जो अंदर से अंडर द टेबल जा रहा है, और वहां से अगर हर महीने आके बयान दे कि जी इतना बढ़ गया, इसकी वजह क्या है, क्या वजह है, कौन कौन आपको मजबूर कर रहा है? आपको पता है आपकी कौम कितनी मेहनती कौम है, दुनिया में जाके नाम पैदा करती है, नाम पैदा करती है, डॉक्टर कदीर हो गए, मसलन नासा में कितने लोग हमारे काम कर रहे हैं, बड़ी तादाद, बहुत बड़ी तादाद, आप दुबई वाले की पूरी बैंकिंग देख लें, देख ले, इतने ब्रिलियंट माइंड लोग, क्या हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं या हमारे से बड़े जो, मैं हम तो एक नॉर्मल लोग हैं जो जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्री हासिल की है, क्या वो इनको ये चीज समझ रहे, वो सब पता। मैं यही बताने लगा था सर आपको कि जब 76 में मेरा ये आर्टिकल डाउन में छापा तो हमारे जितने प्रोफेसर थे उनके शक्लें लाल हो गई, क्यों? क्योंकि हमारे जितने स्टूडेंट्स वगैरह थे उन्होंने जाके बोला कि भाई ये स्टूडेंट है, मैं उस जमाने बी ऑनर्स का स्टूडेंट था, सही, तो उन्होंने कहा ये स्टूडेंट अगर ये चीज़ बता सकता है तो आप लोग टीवी पे झूठ क्यों बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हैं? तो मुझे आस्ते से उन्होंने कहा कि क्या करें, हम गवर्नमेंट के नौकर हैं ना, नहीं तुम तो ये स्टूडेंट हो, तुम डरते भी नहीं हो? मैंने कहा मैं नहीं डरता, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह चैनल्स मीडिया जो आप और हम जिसमें हैं, हमने इतनी अवेयरनेस, इतने हौसले दिए हैं अवाम को, अब पब्लिक आके बोल रही है, ये जैसे अखबारों में भी बहुत छाप रहे हैं, अखबारों में छाप रहे हैं, हम खुद लिख रहे हैं इसमें, मौत तो जो रात कब्र में है वो तो बाहर रह ही नहीं, वो तो तय है, वो तय है, बोलना है अवाम के लिए बोलना है, जो रोज लॉसेज, ये वो लॉसेज हैं जो आप महसूस नहीं कर रहे, ये जैसे मैंने अमेरिका को टाइटैनिक कहा था, ये पाकिस्तान जो छोटा सा टाइटैनिक है ये डूब जाएगा,
बिल्कुल डूब जाएगा ये मैशियत, क्योंकि रीढ़ की हड्डी बैकबोन कहते हैं करेंसी को। अगर आपने करेंसी ज्यादा छापी तो आपकी बैकबोन कमजोर पड़ जाएगी। आपकी बैकबोन कमजोर पड़ी, अल्लाह उसको कायम और दायम रखे, हमारी दुआएं हैं पाकिस्तान वजूद में रहे, हमारा वजूद पाकिस्तान से है। मगर अगर हम टूटे फूटा पाकिस्तान रहा, माजूर पाकिस्तान रहा, कर्जदार पाकिस्तान रहा, तो वही हाल होगा जो ईस्ट इंडिया ने हिंदुस्तान में आके किया था। बेबस थे, लड़ते थे, तफरकावादी थी, मैशियत हमारी वीक थी, जिसकी वजह से तारिक साहब ईस्ट इंडिया ने हमारे पैर जमाए यहाँ पर आकर, और जिसको हम पे हुक्मरानी की, और सदियों तक हम भुगतेंगे उस चीज़ को। नहीं, वो बहुत बड़ी रकम लेकर चले गए। अमन साहब, आप क्योंकि बिल्डर हैं, आपको तो रोज़ाना बहुत अपने एज ए लीडर भी और अपने मजदूरी आपको बहुत डीलिंग करनी पड़ती है, तो आप ये देखिए कि ऑलरेडी जो है ना इस मुल्क में जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है उसके तहत 5 करोड़ 1/3 आबादी भूखी मर रही है, यानी उसको पेट भर के खाना नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। अगर ये महंगाई इसी तरह से बढ़ती गई तो रोज़ाना उस पर इजाफा ही होगा ना, घटाई तो नहीं होगी। अगर 17 करोड़ में से कल 8 करोड़ लोग भूखे मरने लगे तो फिर इनकलाब को कौन रोकेगा? तय साहब, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की। इस ये वो इनकलाब की, हमारा यहाँ बैठना वो इस इनकलाब की पहली सीढ़ी कह रहे हैं आप। अच्छा, ये शुरू हो गया है। ये समझ आप शुरू हो गया है। अब इसको किस डायरेक्शन में लेके जाना, जिस तरह देख रहे हैं जजेस की बहाली और वहाँ तक ये पहुँचा, सिस्टम कोर्ट्स की मामला बहुत अच्छे हैं। अब सिर्फ इतना है कि इदारे खुद मुख्तियार हैं, वो पब्लिक को बताए कि सच क्या और झूठ क्या। देखें, जरदारी साहब मुफामत की बातें करते हैं, मैं एग्री हूँ, ठीक है, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल एग्री। उन्होंने सार के हिसाब से करी, सार की करंसी होनी चाहिए। देखें, यूरोप में 7 मुल्कों ने एक ही करंसी छाप ली। हाँ, तो आप भी जरदारी साहब के इस विजन से एग्री करते हैं, इंडिया से दोस्ती भी चाहिए और हमको सेफ्टा सार्क कश्मीर के बारे में मैंने एक आर्टिकल अभी छापा है, चाहे तो मुझे गवर्नमेंट जेल में बंद कर दे। मैंने लिखा है नॉर्दर्न एरिया के ऊपर, ये जो किताब पढ़ी है सामने वैली इन ट्रांजिशन, इसको एनालाइज करके मैंने एक आर्टिकल अखबार में आया, आज भी आया है, कि मैंने उस पर साबित ये करने की कोशिश की है कि आपका जो नॉर्दर्न एरिया उसको आपने कश्मीर के चक्कर में बिल्कुल ही छोड़ दिया, निगलेक्ट कर दिया। आपको यही नहीं समझ में आया 47 से लेके अब तक कि उसका करना क्या है। इस दौरान वहाँ NGOs ने आके इतना काम किया है कि इलाके की तकदीर बदल दी, पॉवर्टी को कम कर दिया, लेकिन साथ ही साथ अपने आप को इतना मजबूत कर लिया उस इलाके में कि अगर आपने गलती से वहाँ पे इलेक्शन करा दिया कि पाकिस्तान के साथ रहोगे या इंडिया के साथ रहोगे या ये आप आज़ाद होना चाहोगे, वो आज़ाद हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो इतना बड़ा इलाका चला जाएगा, पहले इस पाकिस्तान गया, अब ये भी चला जाएगा, आप बिल्कुल पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। तो ये तो अब कश्मीर का, मेरी राय तो ये है कि अब हम अपने इलाके को ही बचा लें तो बहुत बड़ी बात है। और इस कश्मीर के चक्कर में इस के लिए मेरा एक मसन बहसियत पाकिस्तानी होने के, और एक जो भी वहाँ नाजर मेरी में या कश्मीर के पाकिस्तानी जो लोग कश्मीर के यानी मुसलमान भाई हैं, हमारे साथी हैं, दो भाइयों में इख्तलाफ भी होता है, बड़े भाई छोटे भाई में इख्तलाफ होता है, लेकिन उसका हल भी होता है, कोई शक नहीं। इनके जो 3 साल का जो पीरियड है वो सिर्फ मुफाहमत की पॉलिसी पे गुजर रहा है। अब वो इस मुफाहमत की पॉलिसी में उनके मुफाहमत में आर्मी से मुफाहमत भी शामिल है। ठीक है, वो भी तो पीछे लगा हुआ ना, ठीक है। अब हर देखो होता ये कि हर जब जमुई की गवर्नमेंट आती है उसके बाद 10 साल या 15 साल के लिए आर्मी आ जाती है, वो बहाने ढूंढ रही होती है। अब यही सिस्टम यहाँ चल रहा है। हमारे जो गवर्नमेंट के जो साथी है, कांग्रेस साथी है, जैसा कराची की पार्टी है, मतलब पूरे अब जैसा नवाज शरीफ ये साहब ये कह रहे हैं कि जी हमें जमहूरियत को बरकरार रखना है, तो इस तरीके से वो सारे लोग मुत्तफिक होकर इस शहर पे अपनी सीटें बचाने के लिए मुफाहमत कर रहे हैं, लेकिन कौम का कुछ नहीं सोच रहे, ये महंगाई का नहीं सोच रहे। कोई महंगाई के बारे में कोई भी, चाहे हमारे अल्ताफ़ भाई हैं या मसलन आशी साहब, वो बयान नहीं दे रहे।
आवाम के साथ क्या होता है, जैसे उनको पता ही नहीं कि महंगाई क्यों हो रही है, उनको ये पता है हमारे साहब। इस पे एक और मैं बात करूं कि जैसे अभी आरजीएसटी पे बहस चल रही है, आरजीएसटी एमक्यूएम कह रही नहीं करो, लेकिन एमक्यूएम साथ साथ ये नहीं कह रही कि क्या करो क्या करो। मिसाल के तौर पर हमने आपस में जो पहले बात की थी, मैंने कहा था कि दुनिया भर में वेल्थ टैक्स लागू है, पहले पाकिस्तान में अमीरों पे टैक्स, आप अमीर आदमी हैं आपको वेल्थ टैक्स देना चाहिए, आपको मजदूर को नहीं देना चाहिए, और आपसे जो लिया जाएगा वो कहीं ना कहीं तो वापस आपके मजदूर को मिलेगा। बिल्कुल, आप अमीर आदमी हैं, आपसे टैक्स लिया जाए, मुझसे लिया जाए। वेल्थ टैक्स दुनिया भर में लिया जाता है, यहाँ उसका कोई जिक्र भी नहीं करता, एक जमाने में था हटा दिया गया अमीरों को पहले के लिए। जवाब ये पेश किया गया कि जी वो टैक्स तो सिर्फ 2 बिलियन कलेक्ट होता था, बाकी तो रिश्वत में ही खत्म। अब भाई रिश्वत को खत्म करो, टैक्स को ना खत्म करो। ये इसी तरह इनहेरिटेंस टैक्स जो पूरे दुनिया में लागू है, ईरान में भी लागू है, इस्लाम का मसला ही खत्म हो गया यहाँ पे 40%, अगर वो लागू कर दे इतनी बड़ी रकम आएगी कि गरीबों पे जितने टैक्स है वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। इसका जिक्र ये क्या इनको पता नहीं है, ये आधा वक्त तो लंदन में और पेरिस में गुजारते हैं, उनको नहीं पता कि वहाँ ये सब कानून लागू है। अभी इंग्लैंड की सोसाइटी जो नॉर्मल एकदम हो गई है, उसकी वजह यही कानून है। बात ये हम हमारे लीडर जहाँ पाकिस्तान में होते हैं वो बादशाह होते हैं, जब लंदन जाते हैं या अमेरिका जाते हैं, जब वहाँ जाके उनको इनिशिएटिव मिलती है तो वो सिटीजन के हिसाब से टैक्स सब दे रहे होते हैं, यहाँ नहीं देते, यहाँ नहीं देते। अच्छा, इनको सब पता है कि वेल्थ टैक्स भी है और सब चीज, हर चीज को इल्म है, बस ये कि बोलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। इसलिए अच्छा ये जो कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस है, इसको हम आप जैसे लोग तोड़ रहे हैं, वही हम तो डायरेक्ट आवाम से बोल रहे हैं, आवाम से बोले, मतलब ये कि कल भाई आप छोड़े नवाज शरीफ को, छोड़े आप, छोड़े जरदारी साहब को, छोड़े नवाज साहब को लीडर बनाए, खत्म हो गई बात। सर मैं क्या लीडर बन सकता हूँ, लेकिन ये जो सच्चाई जो एक बात है, जो भी सच अब जो सच बोले, अब कहते हैं आज उसकी बैकग्राउंड देखने की जरूरत है, उसकी क्वालिफिकेशन, सच तो सच है। आप इतने अच्छे दिन के मौके पर आपने हमें यहाँ बुलाया, आप कहते हैं उनकी हिस्ट्री पढ़ लें, उनकी जो मेन थीम है वो सच पर मबनी है। बिल्कुल, एक सच्चा आदमी सच बोलते बोलते चाहे उसको तबाही हुई कुछ भी हुई कुछ परवाह नहीं, वो नहीं, वो नहीं देखते, एक मिनट के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लेकिन हमारे साथ बैठक ये है कि सच बोलने के लिए तैयार ही नहीं है, अगर वो सच बोलेगा तो उसका उसके अपने मुफाद खत्म हो जाएंगे। हमारी सारी पार्टियाँ क्या कर रही हैं, पूरी पार्लियामेंट खामोश बैठी है, डेयरी वसूल किया जा रहा है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, आप अपने बच्ची से कहें, आप अपने बच्चे से कहें कि बेटा 2000 मिलियन को 170 से डिवाइड कर दे, 170 मिलियन पॉपुलेशन है ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो यही दिक्कत है। 11 रुपए कोई भी कैलकुलेटर आपके मोबाइल कैलकुलेटर से निकाल ले आप, तो ये कोई इसके लिए कोई रॉकेट साइंटिस्ट होना जरूरी नहीं है, इकोनॉमिस्ट होना जरूरी नहीं है, कुछ नहीं है। जब आपके गवर्नर ने आके ये बात कह दी कि जी कर्जा जो है बढ़ के 1200 से 1500 हो गया पिछले 5, अभी दिसंबर में उसने कहा, इसका मतलब नवंबर तक की फिगर होगी ना, आपको एम पी ए की ऑफर दी गई जमात इस्लामी ने, इसी बुनियाद पर, आर्टिकल बेस पे, क्या ये जमात इस्लामी जो इतने बड़े सिस्टम को लेके चलती है उसको इल्म नहीं है? पता नहीं, उस जमाने में उन्होंने तो मुझे कहा, उन्होंने प्रोफेसर कपूर होते उस टाइम की बात कि ये बात तुमने पहली दफा कही। मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो अपने मसलन दो सिस्टम के लिए अपना पूरा सेपरेट लेके बैठ गए, उनके मुफादत होंगे सो, लेकिन अभी तक उन्होंने कभी कौम के बारे में बयान किया कि हमारी कौम की गुर्बत असल वजह क्या है, असल वजह क्या है? ये देखिए ना, बात यही है कि मुझे खुद समझ में नहीं आता। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारे लोग बाहर घूमते हैं, सबको पता है ये सारी चीज़ों का, लेकिन क्योंकि अपने ऊपर टैक्स लागू नहीं करना चाहते, इसलिए वो चुप रहते हैं। लेकिन हम और आप को ये परवाह नहीं कि हम पे टैक्स लग जाए क्या फर्क होगा, तो लेके ना जैसी बात है भाई। मैं कह रहा हूँ कि 5 करोड़ से ऊपर, 5 करोड़ तक ना लगाओ, 5 करोड़ के ऊपर लगा दो, अगर 5 करोड़ से आपके पास होगा तो दे देंगे, उसमें से कौमी को देना है ना। आप खराब भी तो इतना करते हैं ना, ईडी को देते हैं आप, कौम को देते रहते हैं ना। आपके कंपनी में मुझे पता है कि कितने लोगों को आप पाल रहे हैं, क्यों पाल रहे हैं भाई? क्योंकि काम को लेके चलना है, उनको भूखा नहीं मरने दे, कोई काम नहीं भी कर रहा था यार, रहने दे, तो आप खराब तो कर रहे हो, अगर आप
प्रॉपर्ली दे दोगे तो क्या हो जाएगा, आपको दौलत लेके का मरना है क्या? नहीं, ये सब इनहेरिटेंस टैक्स अगर लग जाता है आपको क्या तकलीफ, आपने मेहनत करके मजदूरी करके इतना पैसा कमाया तो उसमें से 60% आपके बच्चों को मिल जाए, बहुत है, बहुत है, बहुत बच्चे खुद मेहनत करें, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हाई एजुकेशन दे रहे हैं, बिल्कुल उनको आपकी दौलत की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यही मैं कह रहा हूँ कि मैं आपके बच्चों को आपकी दौलत जरूरत है नहीं नहीं, नहीं। इसी सब हाई क्वालिफाइड सब हाई क्वालिफाइड आप अपना आप मगर उनको अगर 10 करोड़ रुपए छोड़ के जाए उसमें से उनको अगर 6 करोड़ मिल जाए उनके लिए बहुत है, सबको घर वर मिल जाए, बाकी अपने अपना जॉब करें, मेहनत करें। आपने किसी हद तक कम्युनिज्म की जो पॉलिसी है ना जो आज से 76-77 साल पहले हुई थी, मैं उससे मुतफिक हूँ इस बात से। आज आप हम ये डिस्कस नहीं कर रहे होते अगर कम्युनिज्म की पॉलिसी को अपना लेते, सबको मसावी, सबको हर चीज मिलेगी, आटा रोटी दाल चावल। सर बख्शी साहब इस चीज को मैं कम्युनिस्ट के कम्युनिज्म की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए यूरोप में कम्युनिज्म नहीं आया, यूरोप में कम्युनिज्म नहीं आया, लेकिन ज्यादा इनकम टैक्स लगा के 70-70% टैक्स है, 360% है इंग्लैंड के अंदर, 360% इसलिए वहां देखिए ना दौलत अमीर से लेके गरीब में बढ़ती गई, अब बराबर हो गए, बराबर हो गए। आप देखें हम हेल्थ वहां फ्री है, देखें सर एजुकेशन फ्री है। सबसे पहला मैं आपसे ये सब इस चैनल के माफ़ ये कहूंगा कि और कुछ भी ना करे हमारा गवर्नमेंट, कुछ भी ना करे, पूरी पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो वीकली पेमेंट कर दे। अच्छा, उससे फर्क पड़ेगा, उससे आपको ये फर्क पड़ेगा कि जो भूख का रेशो गुर्बत का रेशो है वो 35% में आपको चैलेंज करके देता हूँ। यूरोप में है सर, यूरोप में वीकली है, हाँ पूरे वीकली है, ऑल ऑफ द कंट्री। अच्छा, ये बहुत अच्छी तस्वीर है, आप ये इंटीग्रिटीज है आपके, आप इसकी हिस्ट्री में जाए इसमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। आप लोग तो मैं अगर देते हैं, मैं देता हूँ, मेरा मजदूर परेशान नहीं है इसलिए वो मेरी सुनते हैं, वो इसलिए उसको वीकली मैंने आपको एक साथ देने से अच्छा है कि वीकली दे दें आप उसको। हर देखो एक गरीब आदमी के घर में हर 7 दिन के बाद 2500 रुपये जा रहे हैं, तो वो उसकी वाइफ उसके बच्चे उस 2500 रुपये 7 दिन का बजट बनाएंगे और उसमें से पसंदाज भी करेंगे। देखें पूरा यूरोप जो है वो 7 डे पे चल रहा है। अच्छा, पूरा यूरोप सेंडे पे चल रहे, आप घूमता रहा हूँ लेकिन मुझे इसका अंदाजा नहीं। ये वहाँ की पेन का सिस्टम है, हज़रत उमर फारूक के दौर में ये सिस्टम था। अच्छा, हमारे पूरे यूरोप ने बरतानिया ने उनकी इकोनॉमिक को अडॉप्ट किया है कि अगर एक बच्चा भी है जो बच्चा शेरखवार है वो पैदा होता है तो उसको एक खास बोनस अलाउंस दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो इस्लामिक सिस्टम, वो इस्लामिक सिस्टम के हिस्सा है। अच्छा, आप कुछ भी ना करें सिर्फ 2 काम कर लें, एक मंथली के बजाय वीकली पेमेंट कर दें, ठीक, दूसरा जो आपका गोश्त करता है उसकी छुट्टी कर, जुमा तो जुमे की छुट्टी कर दे, बाकी दिन आप गोश्त काटते रहे सही। और वीकली पेमेंट इससे फर्क पड़ जाएगा, इससे भी बहुत फर्क पड़ जाएगा। मलिक साहब, परवेज साहब, बड़ी अच्छी बात हुई आप लोगों से, लेकिन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह फिर इस पर हम कंटिन्यू करेंगे, आप लोग अपनी जद्दोजहद शुरू करें, लोग इंशाल्लाह आपके साथ हो जाएंगे, हमारी कोशिश जा रही है, हमें उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ खड़े हैं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल खड़ा हूँ, आप एनी टाइम। एक फर्द की बात नहीं है, एक फर्द की जंग नहीं है, पूरी कौम की जंग है, किसी को हाथ उठाना पड़ेगा। और हक बात आप बोलेंगे ना तो अल्लाह की तरफ से ताईद आएगी, कौम आपके साथ होगी, किसी को भी और किसी की मजाल नहीं होगी, ना आपको बंद करेगा ना आपको गोली मारेगा कोई, इंशाल्लाह। देखें सर ये तो तय है हमारा, अगर हम इस कास के लिए किसी मकसद में काम आ जाएं तो अच्छा, ये भी बड़ी बात good, है। very good. तो कम से कम हमारा नाम तो आ जाएगा, मरना तो है, है तो कम से कम ये बोले कि ये इनकी वजह क्या थी, क्यों मारा गया इनको, ये पहला आदमी था जो उठ के खड़ा हुआ स्टेट बैंक के सामने, स्टेट बैंक के सामने पुलिस हेडक्वार्टर सामने था, फिर डरा नहीं, डरा मैं। अच्छा भाई, अब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, मैं कंक्लूड करता हूँ, बहुत शुक्रिया आप लोगों आने का। नाज़रीन, महंगाई का रिश्ता नोटों से क्या है, इस पर हमने आज बड़ी अच्छी डिस्कशन की। हमारे साथ एक बड़े जर्नलिस्ट और एक सोशल वर्कर थे जो बहुत बड़े कम्युनिटी को लीड करते हैं, और इन्होंने ऐसी बात की है कि इस बहस को जो हम काफ़ी दिनों से, मैं तो खैर 76 से इस पर काम कर रहा था, बीच में मैं चला गया था, आने के बाद फिर मैंने इसको उठाया, पिछले 2-3 साल से तो मैं टीवी पे भी बहुत बोल रहा हूँ इस पर, लेकिन अब ये लोग उन्हें इस चीज़ को अपनाया है, इसको समझा है, और अब इन लोगों की बिल्कुल क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो गई है। और स्टेट बैंक के जो गवर्नर ने पिछले दिनों जो बयान दिया जिसमें उसने कहा, खुद माना कि महंगाई का ताल्लुक नोट छापने से है, गवर्नमेंट उसको फोर्स करती है नोट छापने से, उसकी वजह से महंगाई होती है,
इससे इस बात की तायद हुई है जो मैं इतने सालों से कहता रहा हूँ कि ये तेल वेल के सब झूठ है, ये कोई ताल्लुक नहीं, जापान में कभी महंगाई नहीं हुई, यूरोप में कभी महंगाई नहीं हुई, मिडल ईस्ट में बख्शी साहब रहे हैं काफ़ी साल, ये बताते हैं कि वहाँ कभी महंगाई नहीं हुई, हर चीज़ की कीमत नीचे जाती देखी उन्होंने। ये सब ये एक गलत इम्प्रेशन डाला गया है एक ज़माने से, आज से नहीं, इसको हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और बख्शी साहब और अवान साहब अब इस लेवल पर आ गए हैं, उनकी सोच, उनको इतनी फिक्र है अपनी कौम की, वो कह रहे हैं कि ज़रूरत पड़े तो हम खुद खड़े हो जाएंगे स्टेट बैंक के सामने और गवर्नर से कहेंगे कि तुम नोट छापना बंद कर दो, गवर्नमेंट जैसे भी अपना हुकूमत चलाना चाहे चलाए, कमर्शियल बैंक से लोन ले, अमेरिका से ले, कहीं से भी ले, नोट नहीं छापो, क्योंकि जब तुम एक नोट छापते हो तो मेरे पॉकेट से कुछ पैसा निकलता है, मेरे गरीब कम्युनिटी के लोगों के पैसे निकलते हैं, मेरे मजदूरों के पैसे निकलते हैं, इसके लिए वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। एक बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है ये पाकिस्तान के लिए। स्टेट बैंक के गवर्नर को बे इंतहा इख्तियार अभी 2010 के एक्ट के तहत दे दिए गए, उसके इख्तियार वही हो गए हैं जो अमेरिका के स्टेट बैंक सेंट्रल बैंक के पास हैं। अब चाहिए कि वक्त आ गया है और अवाम, अगर आप जैसे बख्शी साहब जैसे जर्नलिस्ट अगर पीछे पड़ जाएं, रोज़ाना जाके देखें कि नोट की करेंसी की पोजीशन क्या है और उस पर वो लिखते रहें बोलते रहें, तो ये जो है ना इस चीज़ को काबू किया जाएगा। स्टेट बैंक के गवर्नर को चाहिए कि वो डिमांड कर दे पब्लिकली कि अभी जो 1500 बिलियन उन्होंने नोट छाप के उनसे कर्ज़ा लिया हुआ है वो गवर्नमेंट फ़ौरन वापस करे, कहाँ से करती है वो उसका मसला है, खर्च कम करें, मिनिस्ट्रीज को आधी कर दे, मिनिस्ट्रियों की तनख्वाह आधी कर दे, तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉज़ की तनख्वाह आधी कर दे, 50% मिनिस्ट्री ख़त्म कर दे, बिल्कुल उससे बहुत फ़ायदा होगा, नुकसान कोई नहीं, नुकसान कोई बेश, ये 50% गवर्नमेंट के लोगों की तनख्वाह बढ़ाना और जो प्राइवेट सेक्टर के लोगों के और जो गरीब लोगों के साथ को तो कोई रिलीफ नहीं दे रहे, रिलीफ देने का एक ही तरीका है कि अपने कॉस्ट को कट करें और ये जो कर्जे हैं वापस कर दें। इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ, खुदा हाफिज़।